तो फ्रेंड आप लोगों में से मेरे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि भाई मैं किसी भी लड़की से अगर बातें करता हूं तो मुझसे बातें सही से नहीं कर पाता, और इतना ही नहीं मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से या फिर अपनी बोलने के तरीके से उसको इम्प्रेस नहीं कर पाता। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिर्फ बात करके लड़की को आप कैसे इम्प्रेस कर सकते हो और कैसे उसको दिल में अपने लिए जगह बना सकते हो। तो फ्रेंड वीडियो इंटरेस्टिंग है, प्लीज यार एंड तक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और हाँ फ्रेंड हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दबा दो नोटिफिकेशन बेल को। और इतना ही नहीं फ्रेंड प्लीज अगर आपकी वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड कमेंट जरूर करना यार। तो ज्यादा टाइम पास किया ना, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, कहने को तो फ्रेंड हर कोई ऐसे बातें कर सकता है, किसी भी लड़की से वो बातें करके इम्प्रेस कर सकता है, बट रियल मायने में देखा जाए ना तो फ्रेंड अगर आपको लड़की से बातें करके सिर्फ इम्प्रेस करना है, देन अगर आप चाहते हो कि वो आपके बातों में इंटरेस्ट ले तो एक बात का ध्यान रखें फ्रेंड, प्लीज फ्रेंड जब भी आप लड़की से बात करें ना तो उससे आई कॉन्टैक्ट बना के जरूर रखें। क्योंकि फ्रेंड आई कॉन्टैक्ट बनाने से क्या होता है ना कि आपके अंदर एक अच्छी सी कॉन्फिडेंट आती है, देन उसको लगता भी है कि ये बात करने में इंटरेस्टेड है, इतना नहीं है कि ये भी बोरियत फेस महसूस करेगा ये। और इस तरीके से फ्रेंड क्या होगा कि आप उससे बातें कर पाओगे कॉन्फिडेंट के साथ, क्योंकि किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ बातों में, तो फ्रेंड उसके लिए आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंट। और वो कॉन्फिडेंट तभी आता है जब आप उससे आई कॉन्टैक्ट बना के बातें करते हो, और इससे आप ये भी दर्शाते हो उसे कि आप जल्दी डरते नहीं हो बात करने से और आपके अंदर बहुत सारी कॉन्फिडेंट है। तो कोई भी लड़की फ्रेंड आपके इस बातों से इम्प्रेस हो सकती है। मैं मानता हूं फ्रेंड अधिकतर लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, पर अगर आप चाहो तो फ्रेंड ये कर सकते हो ऐसा, और इसके करने से सिर्फ आप ही को फायदा होगा। फ्रेंड आपको बताता हूँ कि अगर आप आंखें से आंखें नहीं मिला के बात करते हो तो उसे क्या लगता है। अब मान लीजिए आप उसके अगर आंखों में आंखें नहीं मिला के बात कर रहे हो तो ऐसे उधर उस लड़की लगेगा ना कि आप उसके साथ प्रैंक कर रहे हो, देन उससे आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो भी इंटरेस्टेड नहीं होगी, और इस तरीके से आपकी बातें भी इंटरेस्टेड नहीं चलेगी। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। देखो फ्रेंड किसी भी लड़की से इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए, देन उसे अपनी बातों से इंप्रेस करने के लिए पॉइंट नंबर 1 जानते हो क्या होना चाहिए उससे। एक बात दिमाग में रख लो कि जब भी आप लड़की से बात करो ना तो पहले आप उनकी सुनो फिर उसके बाद आप अपनी बताओ। इसमें यह होगा कि लड़की को ये बात लगेगी कि चलो लड़का तो अच्छा है, पहले मेरी सुनता है उसके बाद वो अपनी ओपिनियन देता है। इस तरीके से आप उसे इंटरेस्टिंग भी लगोगे और उसको आपसे बातें करना भी अच्छा लगेगा। क्योंकि फ्रेंड होता क्या है ना कि अगर बाय चांस कुछ लड़की को हुआ भी होता है या कोई बात हो रही होती है तो उस बीच में अगर अपनी बात आप घुसा देते हो तो उस लड़की को लगता है ऐसा कि यार ये लड़के में ऐसे क्या बात है जो अपनी बातें सिर्फ बोलता रहता है और ये कभी मेरी सुनता नहीं है। तो इस तरीके से वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। तो इसीलिए फ्रेंड अपने माइंड में एक बात डाल लो कि किसी भी लड़की से बात करो तो सिर्फ उसके मूड के हिसाब से बात करो। अगर वो सैडली बात कर रही है तो सैडली बात करो, अगर वो हैप्पीनेस बात कर रही है तो हैप्पीनेस बात करो। और हाँ फ्रेंड एक बात दिमाग में डाल लो, जब भी लड़की से बात करने जाओ ना हमेशा फ्रेश मूड में जाओ, ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा हो। तो इसीलिए फ्रेंड इस बातों को दिमाग में डाल लो। और फ्रेंड आप एक बात जानते हो, किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने का देन उसके दिल में जगह बनाने का सबसे आसान और बेस्ट रास्ता क्या होता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करिए। और रिस्पेक्ट फ्रेंड वो कई तरीके के हो सकते हैं, बट अधिकतर में क्या होता है कि उनको लगता है कि चलो अब तो ये मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, देन सब उसने क्या रिस्पेक्ट से बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर ये अपनी ये सोच बना के रखे तो कोई भी लड़की को आप अपनी बातों से इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो फ्रेंड लड़की को ना अधिकतर वहाँ भी इम्प्रेस कर सकते हो आप जब उसकी तारीफ करो आप, और तारीफ ऐसी करो जो उसको लगे कि हाँ इस तारीफ के लायक हूँ मैं, तो सच्ची तारीफ करो। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मेरे साथ हुआ था ये। मेरे से उसकी एक लड़की ने पूछा था कि तुम्हें पता है यार मैं उसको ना एग्जाम लिखने में बहुत दिक्कत आ रही थी, देन मैंने उसकी बहुत हेल्प की, मैंने उसको पढ़ाया, उसको पूरी तैयारी की एग्जाम के लिए, अब वो एग्जाम दे दी है और वो जानते हो पास भी हो गई। तो फ्रेंड इसमें उसके आप ऐसे करते हैं ना कि बोलते कि वाह यार उस लड़की को कहनी पड़ेगी हिम्मत बहुत थी। तो फ्रेंड यहाँ क्या क्या आपने उसका क्रेडिट उसको दे दिया। अब इसी जगह आप ऐसे बोल सकते हो कि वाह यार तुम्हारे अंदर क्या हिम्मत है, तुमने उसको पढ़ा दिया यार, क्या बात है यार, कहना पड़ेगा तुम तो सच में मेरी दोस्त सच्ची दोस्त हो यार, किसी की भी हेल्प करने लग जाती हो, काश यार तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही होती, या फिर ऐसा कुछ। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप कुछ अलग ही तरीके तारीफ करना कि कहना पड़ेगा यार मैंने बहुत ही स्मार्ट गर्ल को चुना है। और फ्रेंड मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी भी लड़की को ना इम्प्रेस करने के लिए ना फ्रेंड सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप उसकी तारीफ करें। क्योंकि फ्रेंड इसमें क्या होता है, अनजान लड़की भी आपसे इम्प्रेस हो जाती है कि चलो भाई इसको बोलने का तमीज है। ऐसे नहीं फ्रेंड कि वो आपको भाई बोलेगी, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। तो मैं बताना चाहता हूं आपको किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, देन आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना, और उसके बाद उसकी तारीफ करना, उससे लॉन्ग टाइम तक अगर आप बात करना चाहते हो तो उससे अच्छी तरीके से बात करना, और उससे जब भी बात करना तो इंटरेस्टिंग बातें करना। और इंटरेस्टिंग बातें कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर तो मैंने काफी वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देखकर समझ सकते हो। तो फ्रेंड ये थे वो कुछ टिप्स जिससे आप किसी भी लड़की को अपने बातें से सिर्फ करके इम्प्रेस कर सकते हो और अपनी बातें लॉन्ग टाइम तक उससे कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वेंट देखने में तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको लगता है कि किसी को यार ये वीडियो दिखाना चाहिए तो प्लीज़ उसके साथ वो शेयर करके आप उसे भी बता सकते हो कि भाई देख इस वीडियो में ऐसी ऐसी बात है। अगर फ्रेंड आपको ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार शेयर जरूर करना यार। और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत फ्रेंड, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं अगली बार प्यार छोड़ते तो के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।